रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होंगे। इसमें 80 लाख से डेढ़ करोड़ के बीच राशि खर्च हो सकती है। 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी होगा। अभी केवल रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट को भी अपग्रेड किया जाएगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जाएगी। ये रेगुलर बैठक है, विभाग के प्रमुखतम अधिकारी और सीनियर ऑफिसर्स ये प्रतिदिन बैठक करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से संडे को भी बैठक करते हैं। और सारे पैरामीटर्स जो जो काम चल रहे हैं, अभी वर्तमान में 10 खंडों में जिम्मेदारियों को बांटा गया है, कंट्रोल रूम से लेके टेस्टिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके अन्य व्यवस्थाओं को, सबके पीछे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को टीम लीडर बनाया गया है और उनके मेंबर हैं। बेमित्रा के साझा ब्लॉक में एक युवक से